अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़फ़र आलम रिज़ा है। मेरा ताल्लुक़ जो है वो चित्राल से है। एक आम पाकिस्तानी के जहन में अगर आप चित्राल का नाम लें तो वो कैलाश या शंदूर, ये चीज़ें उसके जहन में आएंगी, लेकिन चित्राल इससे ज़्यादा है। चित्राल में खूबसूरत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, दुश्वार गुजार रास्ते हैं और मैग्निफिसेंट पहाड़ हैं। अच्छा, आफ्टर ऑल दिस आई एम ए ट्रैवलर, मैं एक एडवेंचर ट्रैवलर हूँ और मैं फॉर द लास्ट 10 ईयर्स आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चित्राल एंड ऑल अदर जो नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे मैं जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ। तो सम 5 ईयर बैक मेरे जहन में ये वो बात आई कि मैं अपना जो ये ट्रैवलिंग है इसको थोड़ा मैं मीनिंगफुल बनाऊं, इसको चैलेंजिंग बनाऊं। हम ऐसी जगहों पे जाते हैं लाइक ब्रोवल हो गया उसमें, कि जहाँ पे आपको 40 घंटे तक आपको पैदल चलना पड़ता है पूरी जगह को कवर करने के लिए। वहाँ से लोगों से मिलते हैं आप। हमारा वहाँ पे जाके मकसद ये होता है कि हम किस तरह लोगों को इनक्रेज करें, ख़ासकर यूथ को, कि वो उस जगह की तरक्की के लिए कुछ करें, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए वहाँ से निकलें, क्योंकि वहाँ पे इस तरह लगता है कि वो रेस्ट ऑफ द कंट्री से कट ऑफ हो गए हैं। तो इवन अगर वो थोड़ा सा भी नीचे मूव करें सेंट्रल चित्राल की तरफ या आएँ तो उनका काफ़ी अपनी जगह की तरक्की के लिए वो काम कर सकते हैं। और ऐसी जगहों से जब हम वापस आते हैं तो वहाँ से भी एक मैसेज लेके आते हैं। हम जब वहाँ पे लोगों से मिले हम या मिलते हैं ऐसी जगहों पे जाते हैं तो एक चीज़ है, डिस्पाइट के उनके पास कोई अच्छे रिसोर्सेज नहीं है और चीज़ें नहीं है, बेसिक इवन बेसिक चीज़ें भी उनके पास नहीं है, लेकिन वो उस स्टेट पे भी वो बड़े खुश हैं, वो बड़े पीसफुल हैं। तो हम आके वापस आके इवन सिटीज़ में जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे ताल्लुक़ के लोग हैं, उनको बताते हैं कि यार ज़रूरी नहीं है कि पीस के लिए आपके पास कोई बेटर फैसिलिटीज़ हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे फोन्स हो या इस तरह। तो इवन उनके हालत में भी, उस सिस्टम में भी आप खुश रह सकते हैं। फिर जब हम आते हैं तो लोगों को इनक्रेज करते हैं कि यार आप उन जगहों पे जाएं। और हमारे इस एफर्ट से ये होता है कि लोग अगर उन जगहों में जाते हैं तो उन लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। वहाँ पर जाते हैं, उन लोगों को ऐसे पोर्टर यूज़ करते हैं, ऐसे गाइड यूज़ करते हैं, उनको लेके घूमते हैं। तो इस सेंस में ये होता है कि यहाँ से जो लोग जाते हैं, इवन चित्राल के अंदर से ऐसे लोग जब दूर दूर जगहों पे जाते हैं या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अगर बाहर लोगों से लोग आकर उन जगहों पे जाते हैं तो उनमें एक हमाहंगी होती है, मतलब थ्रू एक दूसरे को कल्चरल एक्सचेंज होता है। तो क्योंकि वो लोगों का कोई बाहर की दुनिया से इस थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया और कोई सिस्टम से कनेक्शन नहीं होता, तो उन लोगों को जानने के लिए ज़रूरी होता है कि यार लोग वहाँ पे जाएं, उनसे मिलें, उनसे बात करें। तो अगर इस तरह होगा वो लोग वहाँ पे जाएंगे या वहाँ से लोग नीचे आएंगे तो लोग एक दूसरे को समझेंगे और जो बीच में रिफ्ट्स हैं, डिफ्रेंसेस हैं, वो कम होंगी और उस जगह की तरक्की के लिए ये बड़ा ज़रूरी।